चढ़ा के बता दिया है. वेल आई एम डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन जुहू मुंबई. कहते हैं कि इंसान को लाइफ में प्यार एक बार होता है, बट आई एम लकी टू फॉल इन लव 3 times. फर्स्ट विथ माय प्रोफेशन, आई टेक इट अ वेरी बिग प्राइड ऑफ द डिजीजेस विच आई ट्रीट एंड विच आई क्योर. सेकेंड ऑफकोर्स माई हस्बैंड and my family, and a third is a kangen. Yes, for sure. Now let me tell you how this kangen came into my life. Ab ye silsila aisa tha 2020 ke july august mahine ki baat thi. Meri do bahut hi kareebi family friends hain, उन्होंने उनमें से एक फैमिली फ्रेंड जो मेरे राखी ब्रदर है, उन्होंने ऑलरेडी कैंगन परचेस कर लिया था. एंड ही हैड परचेस द मशीन क्योंकि उनको किसी ने रेकमेंड किया था. अब उन्होंने जिसने भी रेकमेंडेशन किया था वो उनको ना नहीं कह पाए, उन्होंने मशीन तो परचेस कर ली. लेकिन अब जब भी बात हेल्थ की आई, एंड आई हैव बीन नॉट ओनली अ फैमिली फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पर्सनल डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे बड़ा तंगी, ये देखो जरा मशीन मैंने ले तो ली है और पता नहीं क्या है, तुम इस पर रिसर्च करो. आई हर्ड सुपर मशीन लिए 4 लाख की, तो आई वॉज लाइक कि 4 लाख की मशीन, बट ठीक है चलो मैं देखूंगी. विद द बिजी प्रैक्टिस, कोरोना भी चल रहा था, सोचा कहाँ पे इतना टाइम है, मैं देखूंगी. उसके करीब 10 दिन बाद में और हमारे एक बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड, अगेन माई पेशेंट, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि डॉक्टर तन्वी यू हैव टू कम फॉर अ प्रेजेंटेशन एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज देयर इन ITC जो शाहिद की टीम ने प्रेजेंट किया था. मैं गई वो इवेंट में, बिकॉज मैं ना नहीं बोल पाई, वो इवेंट में जाना मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन जैसा भी था. मैं गई, मिड ऑफ द वे पे पहुंची, थोड़ा देखा, डेमो देखा, एंड आई लेफ्ट. फिर ऑन द वे जब मैं ITC से वापस घर जा रही थी, एंड देन इट स्टक टू माई माइंड, ये वही मशीन है जो प्रतीक भाई ने मुझे बोला है कि तन्वी इस पर रिसर्च कर. बोले ये दो लोग साथ साथ में क्यों कह रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कि ये है क्या, बिकॉज दोनों की हेल्थ मैं मैनेज कर रही हूं, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट भी बन गया था कि उनके लिए मुझे देखना पड़ेगा. तो वेल देन द रिसर्च स्टार्टेड. काफी रिसर्च किए, हर एक फील्ड के जितने भी आर्टिकल्स, शाहिद बाय द वे हैज अ वंडरफुल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, सेट मेन्यू की तरह रहता है. ये पूछो तो उसके पास 10 प्री रिकॉर्डेड आंसर्स जैसे रेडी होते, एक फॉर्मेट, इतना ब्यूटीफुल फॉर्मेट में वो आपको भेजते हैं कि यू कैन नॉट रेजिस्ट कि आप ये नहीं पढ़े. मैंने सभी आर्टिकल्स पढ़े. अब इतना जो भी मेडिकल इंक्लिनेशन रहता है, एंड देर इज अ हंगर टू नो एवरीथिंग न्यू, आई वेंट मोर इन टू डेप्थ. और जितना जाते गए आई रियलाइज ये टॉपिक पहले क्यों नहीं आया मेरे सामने. नाउ जो फील्ड ऑफ माई प्रैक्टिस होती है, दैट इज अ डायबिटीज एंड थायराइड, जो मेरा मेन फोरे है. नाउ द मेजर रीजन फॉर द डायबिटीज इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्यूलर लेवल जो डैमेज होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. काफी आर्टिकल्स पढ़े, देन डॉक्टर हीरो मिशिनिया. अब ये डॉक्टर हीरो मिशिनिया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आई कंसल्टेड माय प्रोफेसर हु इज वन ऑफ द टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री, जिनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीना वेटिंग लगता है. सो आई वॉज अ फॉर्चुनेट दैट आई वॉज हिज असिस्टेंट इन 2006. सो आई इमीजिएटली कॉल्ड अप सर. सर ये हीरो मिशिनिया को तो आप मिले ही होंगे कॉन्फ्रेंस में, बट आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन इट. तो ही टोल्ड मी तन्वी एक काम कर, कल क्लिनिक में आ जा. आई वाज लाइक ठीक है सर, काफी साल से मिले भी नहीं है, आई गो बैक. आई वेंट बैक टू हिज क्लिनिक एंड ही सेड दैट कि तुमने मशीन ले ली. मैं बोलूँ नहीं सर, अभी तक नहीं ली, मैं बहुत रिसर्च के जोन में चल रही हूँ, बहुत रिसर्चेस आ रहे हैं, पढ़ रही हूँ. बोले सर व्हाट इज योर ओपिनियन, ही सेड बेटा इट्स ऑलरेडी देयर इन माई होम, एंड दैट वॉज द एंड ऑफ माई रिसर्च. बिकॉज जो डॉक्टर को मैं
एज अ स्टूडेंट एस्पायर करती हूँ. बाय द वे ही इज अ फैमिली फिजिशियन ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी. सो ही इज द वन हुम आई लुक अप टू एज अ मेंटर इन माय मेडिसिन. सो व्हेन ही सेड तन्वी घर पे मशीन 4 साल से लगी है एंड दैट वॉज एंड आई वॉज लाइक ठीक है ओके फाइन. एंड देन ऑफकोर्स द परसिस्टेंस जिसको कहते हैं शाहिद का. He keeps on following up with you. And by the way, मुझे यहाँ पे प्रतीक भाई को भी आंसर देना था और यहाँ पे भी और एक जो जेंटलमैन थे जो हमारे फैमिली फ्रेंड है एंड my पेशेंट उनको भी मुझे आंसर देना था. सो देन दोज रिसर्च एंडेड एंड दैट्स हाउ दिस मशीन केम इन टू माई ओन फैमिली. एंड नाउ ऑफकोर्स सीइंग द रिजल्ट इन माई ओन हाउस. By the way, I personally had a chronic constipation का issue मेरा personally काफ़ी time से रहा है जो मेरा काफ़ी relief हो गया. And एक medical term है थोड़ा difficult होगा आपके लिए. एक condition है जिसको कहते हैं fibromyalgia जहाँ पर आपके muscles में बहुत एक सर pains होते हैं. And I have a some sort of that condition and जहाँ पर मेरे calf muscles में I used to have a tremendous pain. So after the shift of the water, I found lot of improvement in that and also I found bahut zyada fayda constipation mein. That's how I witnessed it, its own results. Then coming to my husband, he is a diabetic aur jinki medications maine khud ne kafi kam ki after the change of the water. ऑफ कोर्स बाकी के सब लाइफस्टाइल पैरामीटर्स आपको कंटिन्यू करने रहते हैं. प्लीज ये इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. लेकिन अगर हम ये कह दें कि यही रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ में देन आई विल बी रॉन्ग. आपको आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो दैट आई फाउंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई ओन फैमिली. फिर क्लिनिक में वाटर का बिस्लरी की रखी थी. बाय द वे शाहिद ये हमारा कैंगिन का है एंड व्हाई इज दिस आई सी दिस ब्रिजल वाटर बॉटल्स. यस तो दिस बॉटल्स अब ऐसा हो गया है ना कि जहां पे भी बिस्लरी और ये पैकेज्ड वाटर रहते हैं ना यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ इरिटेशन कि क्यों है इधर. यू डोंट वॉन्ट टू सी दैट यू. And we become so paranoid with this water that wherever we travel, even if we are going for 2 to 3 days, एक बड़ा यू नो इतना कंटेनर भर के पानी का रहता है एंड वी नो बीच में किसके घर पे कैंगन मशीन है वहां से वाटर रिफिल करेंगे. सो दैट्स हाउ दिस कैंगन केम इन टू माई लाइफ एंड इन माई फैमिली. देन आई डिसाइडेड माई फर्स्ट लव इज माई मेडिसिन एंड आई लव माई पेशेंट्स एंड आई लव फॉर वॉट आई एम फॉर. सो डिसाइडेड कि ये क्यों ये पानी क्यों रखना क्लिनिक में. व्हेन आई एम नॉट ड्रिंकिंग दिस इन माय ओन होम व्हाई दिस फॉर माय पेशेंट्स. दो वो लोग वहां पे थोड़े वक्त के लिए रहेंगे लेकिन फिर भी एंड दैट्स हाउ द कैंगन मशीन केम इन द क्लिनिक ऑल्सो ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ द अगेन टीम शाहिद अख्तर एंड दैट्स हाउ दिस मशीन इज देयर इन माई क्लिनिक ऑल्सो. नाउ अभी आ जाता है पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन. यस आई हैव रिकमेंडेड टू मेरे बहुत सारे मरीजों को मैंने रिकमेंड किया है जहां पे मुझे लगा है कि उनको ये चेंज ऑफ द वाटर एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट होगा उनकी मेडिकेशन उनके लाइफस्टाइल से. आई हैव रिकमेंडेड इट एंड आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ माई पेशेंट कमिंग बैक टू मी एंड सेइंग डॉक्टर तन्वी ये महंगा था लेकिन हमारे पैसे गिर गए. ऐसा किसी ने अभी तक तो नहीं बोला है. लकीली एवरी वन हैज गॉट सम और द अदर बेनिफिट इन देयर एंटायर फैमिली. ओके सो दैट इज हाउ दिस कैंगन इज देयर इन माई ओन हाउस इन माई ओन क्लिनिक. एंड विद दैट I would just like to say thank you to Shahid and yes medical research काफी है. आपको शायद से कैंगन वाटर पे ना मिले यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑन अ इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर
ओके सो अगर आप भी रिसर्च करते हैं, अच्छा खासा रिसर्च करते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होइए, समझिए कि क्या है, हम जो भी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसमें उसका क्या मीनिंग है. ओके एंड यस द एंटायर टीम इज़ फैंटास्टिक, बट टू थ्री पीपल जिसको मैंने पर्सनली देखा है वो खुद इतने गहराई से ये सब्जेक्ट में उतरे हैं. अभी मेरे लिए थोड़ा रिसर्च थोड़ा इजी था बिकॉज ऑफ द मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन शाहिद है, देन मिस्टर ठाकुर, अगेन आई सीन अ वेरी डेडिकेशन, इतने रिसर्चेस, इतने आर्टिकल्स निकाले हैं, एंड समटाइम्स आई एम रियली अमेज्ड के वाओ दिस इज अ डेडिकेशन. So that's what I would like to say. Thank you to the entire team and Avesh, Sufyan, who has given a demos to few of the prospects also. And with that, I just want to have a quick introduction of a very young lady, Nidhi Singh. Nidhi, she is a daughter of my one of my very dear patient, उनकी माता जी मेरी पेशेंट है, एंड शी एंड हर मदर हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. एंड इनफैक्ट फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले की बात थी, एंड शी वॉज आस्किंग मी कि डॉक्टर तन्वी मैं क्या करूँ. बाय द वे शी इज़ डन हर स्टडीज इन एयर होस्टेस, सो बट ड्यू टू द लॉकडाउन थिंग्स डिडंट वर्क आउट, सो शी वॉज जस्ट आस्किंग मी कि मैम मैं क्या करूँ अभी आगे. आई टोल्ड हर, आई गिव Shahid's number. I said, beta, this will be the right platform for you at this point of time. She was planning to open a cafe. I said, wo sab hoga. That all will fall in place, but you must attend this seminar today and you see a lot of like-minded people, and that's where she is. Nidhi, I wish you very great luck if you choose to continue in here. All right. With that, मैं यहाँ पे अपना टॉक कंप्लीट करना चाहूँगी. थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी ग्रेट हेल्थ. थैंक यू. या संतोष गुरुजी, थैंक यू सो मच. सो आपने बोला कि आपके जितने भी पेशेंट्स को आपने रेकमेंड किया, कोई ये पॉइंट लेके नहीं आया कि मशीन महंगी लगी या तो इसने काम नहीं किया. पर हाउ डू यू थिंक 3 लाख रुपया एक मिडिल क्लास के लिए जिसकी सैलरी 15-20 हजार है या 50 हजार रुपए से नीचे है, क्या वो इतना रिस्क लेकर के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए? इज अ वैलिड क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस. ओके सी, पैसे ऑफ कोर्स अगर आप 2,75,000 या 3 लाख पकड़िए, जो भी अमाउंट होता है ना मनी का, ये बहुत ही पर्सनल अमाउंट होता है. किसी के लिए 3 लाख बहुत ही बड़ी रकम हो सकती है, शायद से किसी के लिए 3 लाख इतना बड़ा रकम नहीं होता है. ये कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग हम जब देखते हैं तो उसकी क्वालिटी एंड उसकी नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन योर लाइफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जानते न जानते बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं, जैसे सबसे पहले है फोन, जिसका शायद से हमारी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट हम क्या करेंगे, फोन का फोन कॉल्स कर लेंगे, मैसेजेस भेज देंगे, या तो फिर कैमरा यूज करेंगे. इसके ज्यादा हम और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे फोन के गैजेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता. इसके बावजूद हम देखते हैं लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के भी फोन खरीदते हैं. तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी कितनी है एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर दैट प्रोडक्ट. तो दैट इज व्हाट माय आंसर इज. अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आपकी खुद की हेल्थ है, तो ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको और आपके परिवारजन को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वर्ल्ड का दी बेस्ट है, ओके मैं ये नहीं कहूंगी वर्ल्ड का दी बेस्ट है, लेकिन हम हर इंसान यही कोशिश करता है कि हम जो भी बेस्ट है उसके करीब तो पहुंचे. That is what हम सब यहाँ पे इसीलिए काम करते हैं, इसीलिए पैसे कमाते हैं कि हम हमारी रीच से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो हम अफोर्ड कर पाए वो तो हम ले.
एंड जहाँ तक की प्राइस का बात है, जी हाँ, ये प्रोडक्ट की जिस हिसाब से लाइफ है, तो अगर आप तो बहुत ही अच्छे स्मार्ट इंसान है, आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा तो आपको कितने में ये महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, वो तो इट्स प्राइसलेस. थैंक यू सो मच. वेल आंसर्ड. एंड आई थिंक जुनैद हैज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. यस प्लीज. या हाँ मैडम, आपसे ये मेरा क्वेश्चन था कि हमारे बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो जाते हैं डेमो दिखाने के लिए, और डेमो देखने के बाद उनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, है ना, और बोलता है सब देखने, लाल पीला देखने के बाद वो बोलता है कि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बोलेंगे. फोन पे डॉक्टर को कॉल करता है, उधर से डॉक्टर उसको मना कर देता है, है ना. तो इस सिचुएशन में उस डॉक्टर को और उस फैमिली को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या आंसर देना चाहिए आपके हिसाब से? एक तो सबसे पहला, अगर आप किसी भी चीज को खुद जब ही देखते हैं, तब आपको पहली बार अगर आपने कोई भी चीज देखी तो सामने वाले ने आपको 100% समझाया है, आपने उसमें से 70-80% समझा है, क्योंकि आपने ये चीज पहली बार देखी है. अभी आपने जिसको भी डेमो दिखाया उन्होंने पहली बार देखा, इसीलिए कलर्स चेंज होके उनके, कहते हैं ना, बाल खड़े हो गए. ठीक है, अभी उन्होंने जितना समझा 70-80%, वो उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो डॉक्टर के सामने 40-50%. ठीक है, यही होता है थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन. वो 40-50% वो डॉक्टर ने उनका सुना, जो भी उनके फिजिशियन है. अब उन्होंने क्योंकि ये चीज देखी नहीं है, दूसरा उन्होंने ये चीज के बारे में पढ़ा नहीं है, ओके, तो इसीलिए बहुत ही इजी हो जाता है एज अ डॉक्टर कहना कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है. मेरी लाइफ में भी ये प्रोडक्ट की शुरुआत ऐसी ही हुई. अगर वो दो जिस इंसान, एक मेरे राखी ब्रदर है और एक मेरे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड कम पेशेंट है, अगर शायद से उनकी जगह पे और कोई भी पेशेंट या और कोई भी रिलेटिव भी होता था, तो मैं शायद से इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और रिसर्च नहीं करती थी. ये बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके सामने ये प्रोडक्ट कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. एंड ऑफकोर्स कोई भी चीज को अगर आप खुद उसके बारे में रिसर्च नहीं करते, तो ये कहना अच्छा है या बुरा है ये अपने आप में ही बुरी बात है, बिकॉज आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आपने उसके बारे में जाना है. आपने बहुत रिसर्च किया देन आप कहते हैं नहीं, तो एक अलग बात है. लेकिन अगर मैं खुद वो डोमेन में नेव हूं नहीं हूं, तो मेरे लिए स्टेटमेंट पास करना राइट और रॉन्ग इटसेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो बेस्ट चीज यह रहेगी कि आप उनके डॉक्टर को जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए. यू मस्ट डू दैट एंड यू मस्ट एजुकेट एंड देयर यू शुड गो विद द एक्चुअल सॉलिड प्रूफ ऑफ द मेडिकल आर्टिकल्स. देयर यू डोंट गो एज अ जस्ट अ लेमन पर्सन. यू प्लीज डोंट डू दैट. अभी दो दिन पहले की बात है, रात के 9:30-10 बजे नरेश जी का मुझे फोन आया था, डॉक्टर तन्वी मैं घाटकों पर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. अब ही वॉज वेरी स्मार्ट इनफ दैट जैसे ही डॉक्टर देखा उन्होंने तुरंत डॉक्टर तन्वी को फोन लगा दिया. वेरी स्मार्ट मूव. एंड अब ये दोनों डॉक्टर अपनी अपनी भाषा में बात करें, देखे क्या है, सेल होना है तो होगा, नहीं होना तो अलग बात है. लेकिन मैंने तो बता दिया कि यू प्लीज स्पीक टू अनदर डॉक्टर. सो यू मस्ट डू दैट. You can do that. So thank you so much, Dr. Tanvi. I think पूरे सुबह से जो हम लोग देख रहे थे और सुन रहे थे बहुत सारे लोगों को, your these two answers सब लोगों ने ज्यादा कान खोल के सुने. Am I right? Yes. तो सबसे बड़ा ताली बनता है इनके लिए या नहीं? Come on, thank you so much. Shahid, please continue. But Shweta has a peculiar problem of when she has the alkaline water, she has some issues. Can she just tell her problem and then maybe you can give us some insight on it? Yeah, go ahead. So whenever I have the water, maybe towards the night,
I start getting those urticaria rashes, and I've been having this water for almost a year, but this has started since the last 2 months, and I really didn't know whom to ask, and I did not know what to do about it. Okay, now आप ही के क्वेश्चन में आप ही का जवाब है. आपने कहा कि ये पानी आप पिछले एक साल से पी रहे हैं. अगर कोई भी मेडिसिन हो, ओके, या तो कोई भी केमिकल फॉर दैट मैटर, मेडिसिन एक केमिकल ही है, जब भी आप कोई भी नया केमिकल आप आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. तो अगर आपको, ये मेरा अजम्पशन है बिकॉज आपका मेडिकल केस अलग है, मैं पूरा केस नहीं जानती हूँ, तो मेरे लिए कहना, डायरेक्टली स्टेटमेंट पास करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको इश्यू आने होते थे तो आइडियली इमीडिएटली पानी के बाद में आने शुरू हो जाने चाहिए थे. अभी आपने एक साल से पानी पिया है और आपको प्रॉब्लम आ रहे हो पिछले 2 महीनों से, तो इन बिटवीन 10 महीनों में आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुए हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, अगर वो सब भी अगर आपको एलर्जी क्रिएट कर सकती है तो भी पॉसिबल है. खास करके आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग द पैंडेमिक हम सभी के घर के जो एनवायरनमेंट है वो क्लोज एनवायरनमेंट रहे हैं, एंड ये क्लोज एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मोल्ड्स और फंगस क्रिएट हुए हैं, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, एंड दीज मोल्ड एंड दीज फंगस विच कैन नॉट बी सीन वेरी इजिली इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई पीपल आर डेवलपिंग मेनी मेनी ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें अर्टिकेरिया इज वन ऑफ दैट. सो यू प्लीज चेक, क्लीन, डीप क्लीन योर होम एंड योर एनवायरमेंट. हो सके तो आपके कर्टन, आपके पिलो, उस पर भी आप बहुत ज्यादा, जब आप, अगर आपने किसी ने यूरेका गार्ड का या यूरेका फोर्ब्स का जो डाइसन का जो एयर प्यूरिफायर का अगर आप देखते हैं डेमो, जैसे यहाँ पे पानी चेंज होता है वैसे वहां पर भी देख के लोगों के कान हक्के बक्के हो जाते हैं, अरे मेरे तकिए में इतना मोल्ड, तो हो सकता है वो भी एक रीजन हो. तो प्लीज चेक योर एनवायरमेंट. ये कहना डिफिकल्ट है कि इसके वजह से है या उसके वजह से, बट यस, वेलकम. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल, थैंक यू सो मच. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज.